दोस्तों एसडी क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं इंजीनियर प्रभात कुमार लाया हूं आपके लिए लूसेंट ज्योग्राफी का पार्ट 23। ऑलरेडी 1 to 22 अपलोड हो चुका है दोस्तों, तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 23। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात जोग जलप्रपात है, जो कि कर्नाटक में है। विश्व विख्यात जोग गढ़सोप्पा जलप्रपात कर्नाटक राज्य में है। जोग या गढ़सोप्पा जलप्रपात का नया नाम महात्मा गांधी जलप्रपात है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। कपिलधारा जलप्रपात नर्मदा नदी पे है। शिव समुद्रम जलप्रपात कावेरी नदी पे है। गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। हुंडरू जलप्रपात स्वर्णरेखा नदी पे है। बिहार जलप्रपात टोंस नदी पे है। मैच करना है जलप्रपात और वो किस नदी के तट पर स्थित है। जोग जलप्रपात शरावती नदी पे है। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है। धुआंधार जलप्रपात नर्मदा नदी पे है और गोकक जलप्रपात गोकक नदी पे है। एशिया का सबसे बड़ा जलप्रपात हुंडरू किस जगह के पास है। रांची में महात्मा गांधी जल विद्युत उत्पादक प्लांट जोग प्रपात पर स्थित है। गोकक प्रपात बेलगांव नामक जिले में स्थित है। राजा रानी रोडर और रॉकेट जोग प्रपात से संबंधित है। जलप्रपात बिहार के किस जिले में स्थित है। नवादा। सहस्त्र धारा जलप्रपात मसूरी में है। नीलगिरी की पर्वतीय क्षेत्र में कौन सा जलप्रपात स्थित है। पायकारा। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है, तो जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। शिव समुद्र जलप्रपात कावेरी नदी पे है। सहस्त्र धारा प्रपात नर्मदा नदी पे है और धुआंधार प्रपात नर्मदा नदी पे है। जो सम्मिलित है उसको देख लेते हैं। जो कर्नाटक में है, धुआंधार मध्य प्रदेश में है, हुंडरू झारखंड में है। भारत में प्रथम बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया। दामोदर नदी पे। भारत में सबसे बड़ी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना भाखड़ा नांगल परियोजना है। परम्बिकुलम अलियार परियोजना निम्नलिखित में से किन राज्यों में सम्मिलित परियोजना है। केरल तथा तमिलनाडु की। मजकुंड परियोजना किन दो राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। उड़ीसा तथा आंध्र प्रदेश की। म्यूराक्षी परियोजना से भारत के कौन से दो राज्य लाभान्वित होते हैं। पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा के सम्मिलित परियोजना है मजकुंड। उकाई परियोजना स्थित है गुजरात में तापी नदी के तट पे। कौन सी बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना का निर्माण टेनेसी नदी घाटी परियोजना के आधार पर किया गया है। दामोदर घाटी परियोजना। पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है। केरल में है। सरदार सरोवर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है। नर्मदा नदी पे। इडुक्की जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है। केरल में। मैच कराना है। कोसी परियोजना बिहार में है। नागार्जुन परियोजना आंध्र प्रदेश में है। मयूराक्षी परियोजना पश्चिम बंगाल में है और हीराकुंड परियोजना उड़ीसा में है। सलाल परियोजना जम्मू कश्मीर में है। वाण सागर परियोजना से लाभान्वित राज्य हैं उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश और बिहार। भारत तथा एशिया की एकमात्र औद्योगिक संजय जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है। हिमाचल प्रदेश। ढिकरोंग जल विद्युत परियोजना देश के किस राज्य में निर्माणाधीन है। अरुणाचल प्रदेश में है ढिकरोंग। तेलुगु गंगा परियोजना का उद्देश्य है कृष्णा नदी के जल को चेन्नई लाना। लोकटक शक्ति परियोजना निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। मणिपुर में। मैच कराना है। कौन सा जोड़ा गलत है, तो जो सही है उसको देख लेते हैं। हीराकुंड परियोजना महानदी पे है। काकरापारा परियोजना तापी नदी पे है। भाखड़ानांगल परियोजना सतलज नदी पे है। तुलबुल परियोजना संबंधित है झेलम नदी से संबंधित है।
भाखड़ा नांगल परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। सरदार सरोवर परियोजना से लाभान्वित राज्य है मध्य प्रदेश, गुजरात तथा महाराष्ट्र। दामोदर नदी घाटी परियोजना से लाभान्वित राज्य है पश्चिम बंगाल तथा झारखंड। निम्नलिखित में से कौन तमिलनाडु एवं केरल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है? परम्बिकुलम अलियार। जायकवाड़ी परियोजना किस नदी पर स्थित है? गोदावरी नदी पर। महात्मा गांधी जल विद्युत परियोजना स्थित है जोग प्रपात पर। बगलिहार जल विद्युत परियोजना की स्थापना किस नदी पर की जा रही है? चिनाव नदी पर। कोयना परियोजना किस राज्य की प्रमुख बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना है? महाराष्ट्र। नाथपा झाकरी परियोजना किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश। नाथपा झाकरी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? सतलज नदी पर निर्मित है। भाखड़ा नांगल एक संयुक्त परियोजना है हरियाणा पंजाब तथा राजस्थान की। गिरना परियोजना स्थित है महाराष्ट्र में। निम्नलिखित में से कौन सा भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत नहीं आता है? चूखा परियोजना नहीं आता है, नहीं तो सरदार बांध परियोजना, पंचेश्वर परियोजना और टनकपुर बांध परियोजना, ये तीनों भारत नेपाल सहयोग परियोजना के अंतर्गत आते हैं। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में निर्माणाधीन है? गुजरात में। हीराकुंड परियोजना किस नदी के जल प्रवाह को नियंत्रित करता है? महानदी। हीराकुंड परियोजना किस राज्य में है? उड़ीसा में है। कर्नाटक में स्थित बहुदेशीय नदी घाटी परियोजना तुंगभद्रा नदी पे है। हिडकल परियोजना किस नदी पर स्थित है? घाट प्रभा। काकरापारा परियोजना किस नदी से संबंधित है? ताप्ती नदी पे। लक्ष्मीबाई सागर बांध परियोजना किस नदी पर स्थित है? बेतवा नदी पे स्थित है। भारत की जलवायु की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता कौन सी है? पवनों की दिशा में परिवर्तन। भारतीय मानसून का वर्णन सबसे पहले किस अरब विद्वान द्वारा किया गया? अल मसूदी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन भारतीय मानसून को प्रभावित नहीं करता? गल्फ स्ट्रीम नहीं करता, ये तो एल नीनो, तिब्बत का पठार और जेट स्ट्रीम, तीनों भारत के मानसून को प्रभावित करता है। भारत की सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पश्चिम मानसून से। निम्नलिखित में से किस राज्य में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा नहीं होती है? तमिलनाडु में नहीं होती है। तमिलनाडु के तटीय भागों में जाड़ों में वर्षा की प्राप्ति किससे होती है? उत्तर पूर्वी मानसून से होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून निम्न में से किस प्रदेश में सर्वप्रथम प्रवेश करती है? केरल में प्रवेश करती है। देश के किस भाग में मानसून के अरब सागर एवं बंगाल की खाड़ी दोनों ही शाखाओं में वर्षा होती है? पंजाब, असम, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा राज्यों में मानसून पूर्व आने वाली त्वरित झंझाएँ निम्न में से किस नाम से जानी जाती हैं? नॉर्वेस्टर्स। भारत के कोरोमंडल तट सर्वाधिक वर्षा होती है अक्टूबर नवंबर में। भारत के उत्तर पश्चिमी तथा भाग में शीतकालीन वर्षा का कारण है पश्चिमी विक्षोभ। तमिलनाडु में शीतकालीन वर्षा का कारण है उत्तर पूर्वी मानसून। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला स्थान है वसीनराम। भारत में सबसे अधिक तथा सबसे कम वर्षा प्राप्त करने वाले दो राज्यों का क्रम सबसे अधिक मेघालय में तथा सबसे कम राजस्थान में। मसीनराम एवं चेरापूंजी अधिक वर्षा होती है क्योंकि यहाँ की पहाड़ी कीप की आकृति की है, कीप कूपी के आकार की है। दिल्ली में अधिक वार्षिक तापांतर का कारण है समुद्र से अधिक दूरी। भारत में शरदकालीन वर्षा का क्षेत्र है तमिलनाडु, कर्नाटक, जम्मू कश्मीर में होने वाले शीतकालीन वर्षा का कारण पश्चिमी विक्षोभ है। वर्षा की सर्वाधिक विरलता निम्नलिखित में से कहाँ पाई जाती है? लेह में। यदि भारत में कर्क रेखा के स्थान पर विषुवत रेखा होती तो यहाँ की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ता? अधिक ताप एवं अधिक वर्षा। मानसून वर्षा की विशेषता नहीं है तो जो विशेषता है वो देख लेते हैं। मौसमी वर्षा, अनिश्चित तथा अनियमित वर्षा, वर्षा का असमान वितरण।
भारत में अधिकांश भाग कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है, पर इसे एक उष्ण कटिबंधीय देश कहते हैं क्योंकि देश की जलवायु का निर्धारण उष्ण कटिबंधीय मानसून से होता है। पुणे में मुंबई से कम वर्षा होती है क्योंकि यह वृष्टि छाया में पड़ता है। यद्यपि भारत का केवल दक्षिणी भाग उष्ण कटिबंध में स्थित है, तथापि संपूर्ण भारत की जलवायु उष्ण कटिबंधीय है। इसका कारण है ऊंची हिमालय पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी ठंडी हवाओं से इनकी रक्षा करती है। भारत में वर्षा का औसत है 118 सेंटीमीटर। मानसूनी जलवायु की प्रमुख विशेषता है वायु की दिशा में मौसमी परिवर्तन। भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से। भारत के उत्तरी मैदान में शीतकाल में वर्षा होती है पश्चिमी विक्षोभ से होती है। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में 200 मिलीमीटर वर्षा होती है? जम्मू कश्मीर में आम्र वर्षा या मैंगो सावर बिहार एवं बंगाल में मार्च एवं अप्रैल में होने वाली वर्षा है। भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यह देश की प्यासी धरती समझा जाता है इसका कारण है वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, वर्षा के पानी शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना और वर्षा की कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना। वर्षा भारत में सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है कच्छ से लेकर पंजाब हरियाणा तक। नीचे स्थानों के युग्म दिए हुए हैं, उनमें कौन सा ऐसा युग्म है जिसके दोनों नगर लगभग समान अक्षांश पर अवस्थित हैं फिर भी उनमें वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा में अंतर सर्वाधिक सुस्पष्ट है? अजमेर तथा शिलांग। भारतीय उपमहाद्वीप पर ग्रीष्म ऋतु में उच्च तापमान एवं निम्न दाब हिंद महासागर में वायु का आकर्षण करते हैं जिसके कारण प्रभावित होती है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। अल्पकालिक जलवायु संबंधी भविष्य कथन के लिए पिछले दशक में ज्ञात हुई निम्नलिखित स्थितियों में से कौन सी एक भारतीय उपमहाद्वीप में विरल क्षीण वर्षा मानसून के से संबंध है? एलनीनो तथा दक्षिण दोलन। कौन सुमेलित नहीं है? तो जो सुमेलित है उसको देख लेते हैं। नॉर्वेस्टर पूर्वी भारत, चेरी ब्लॉसम कर्नाटक, आंधी उत्तर प्रदेश। ग्रीष्मकाल में आने वाले तूफानों को निम्नलिखित में से किस राज्य में काल बैसाखी के नाम से जाना जाता है? पश्चिमी बंगाल। विश्व में सर्वाधिक वर्षा मौसिनराम में होने के कारण है पहाड़ियों का कीपाकार आकृति का होना। दक्षिण पश्चिम मानसून से संपूर्ण भारत में कुल कितनी प्रतिशत वर्षा मिलती है? लगभग 75%। चेन्नई में जाड़ों में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। चेन्नई की जलवायु कोलकाता की जलवायु की तुलना में स्थान समुद्र तट पर स्थित है। चेन्नई विषुवत रेखा के अधिक समीप है। मानसून निवर्तन से सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में होती है। आम्र बछार के बारे में कौन सा कथन सत्य है? यह केरल राज्य तथा पश्चिमी तटीय मैदान भाग में मानसून पूर्व काल से प्राप्त होती है आम्र बछार। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता भारतीय वर्षा की नहीं है? तो जो विशेषता है वो देख लेते हैं। भारत में वर्षा की अनिश्चितता है। यहाँ के अधिकांश क्षेत्रों में वर्षा के कुछ ही महीनों में वर्षा होती है। यहाँ के सभी क्षेत्रों में वर्षा का वितरण समान नहीं है। भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है। इसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विभेदी तापन। भारत के किस राज्य में जाड़े के मौसम में वर्षा होती है? उड़ीसा। भारत के पश्चिमी समुद्री तट पर वर्षा किस मानसून से होती है? दक्षिण पूर्व। निम्न में से किस राज्य में प्रत्यावर्ती मानसून का अधिक प्रभाव होता है? उड़ीसा। मानसून किस भाषा का शब्द है? अरबी भाषा का शब्द है। दोस्तों हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं इसी सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, आपका दिन शुभ रहे।